मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब। लानतियों जो जमहूरियत को सही समझते हैं वो तो अबू जहल के पुत्र हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हक समझे फिर अबू जहल को हक समझो, और हजरत आदम से लेकर पढ़ो जो बातिल है वो अक्सरियत में आया है। अक्सरियत और रिवाज से हमारा दीन बालाता रहे। आज अक्सरियत और रिवाज को दीन समझते हैं बेईमान। 13वीं सदी लगी मारे शरीफ वाले रो पड़े। फरमाया क्यों, अर्ज की क्यों खलीफा? फरमाया आज के बाद किस्मत वाले को ईमान नसीब होगा। 13वीं 14वीं 15वीं में आया बैठा है। 13वीं में हराम हलाल था, 14वीं में हराम हलाल नहीं था। लेकिन हराम को हराम समझते थे, गुनाह को गुनाह समझते थे। ये ऐसी सदी बदतर है कि हराम को जायज समझ कर करेंगे और गुनाह को नेकी। या तमीलात पढ़ते हैं उनकी दवा बार दी, इसको नेकी समझते हैं नहीं समझते। इंतहाई गुनाह है, इंतहाई लानत है। औरतें जो मिलाद पढ़ती हैं इन पर लानत पड़ती है कि औरतों को हुक्म है कि तुम अंदर बैठो, यही तुम्हारा मिलाद है। नारे तकबीर, अब नारे रिसाल। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वक्त बीवी सीढ़ी पर चल रही है, पौड़ियों पर, मर्द आ गया। उसने कहा इन ऊपर सीढ़ियों पर पैर रखो तलाक, नीचे वाली रखो तलाक। वो बैठ गई, सारे उलमा से फिरे, उलमा ने कहा तलाक है, या बैठी रहे या उतरेगी या चढ़ेगी, तलाक पड़ जाएगी। वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास चले गए वो रसा। आपने फरमाया लकड़ी की सीढ़ी से उतार लो, निकाह बच जाएगा। ये फकीर और उलमा, सारे उलमाओं ने यही फतवा दिया, एक फकीर ने मरीज को बचा लिया, हकीम जो था। इसलिए जब तक फुकरा के हाथ थे शऊर थे, जब उलमा के हाथ आए हम मारे गए, दीन से भी मारूम हो गए और ईमान से भी मारूम हो गए। इस हजार बंदा इस शिकायत है कि हजार बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मोमिन एक ही नहीं होगा, क्योंकि जुबानी कलमा मुनाफिक भी पढ़ते थे। जब मस्जिद वाले नहीं होंगे बाहर कहां होंगे? इसलिए अल्लाह तबारक ताला से ईमान मांगा करो, रिज्क बगैर मांगे देता है। ईमान जब तक मांगो ना मोहब्बत ना करो वो देता ही नहीं। ईमान मांगा करो अल्लाह से। अब एक काफिर है, उसने जन्यू पहना, ऊपर तीन कमीसें चादरें और चादर ओढ़ कर गया। इतना कोई फिरासत उल्मोमिनीन यंजुर बिनूरिल्लाह, इसका माना क्या है? उन्होंने कहा डरो मोमिन की फिरासत से, वो अल्लाह के नूर से देखता है, माना भी यही है। उस काफिर ने कहा यह माना तो मुझे भी आता है, मुझे ऐसा माना बताओ जो दिल में जगह कर जाए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। सब ने कहा माना यही, वो जा रहा था। उसने कहा यार फकीर बैठा है उसको सवाल कर। वो गया, आप ऐसे चटाई पर बैठे थे, सीधे साधे कपड़े थे, क्योंकि सादगी हर नेकी की बुनियाद है और अय्याशी हर गुनाह की जड़। मोमिन की तीन पांच निशानियां मोटी, हौसला, नियाज, सादगी, अदब और रहम। ये मोमिन में सिफात होती है, और सिफात ही बहुत है, मोटी सिफात बताई मैंने। और बेईमान की गुस्सा भेजा, तकबर, तकबर खासा खुदा का है। राई के दाने के अंदर किसी के अंदर तकबर होगा ना, वो बहिश्त की खुशबू नहीं देखेगा। माली इम्तियाज, माली इम्तियाज तो जहलाना है, पैसे को इतना समझाना पाए। ए माली इम्तियाज पर एक बुजुर्ग ने चोट लगाई है, वो फरमाते हो अक्का दे फुल गुलाब नजर दे, वह दरिया दे पानी शराब नजर दे, जदों दा पैसा आम हो गया दल्ले बंदे भी नवाब नजर दे। पैसा नहीं, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, तुम में इज्जत वाला वही है जो परहेजगार है, मुत्तकी है, ये कुरान है। दूसरे बुजुर्ग फरमाते हैं वो वह गरीड़े थे हूरा बैठी होती थी, करोड़ रुपए की कोठिए दे विचे बैठी खोती है, खोती भी टंग हिला देगी ना। मुराद इसको सट कच्चे कमरे में ये कर कोठी के लायक की है? कोई शर्मा ही आ गए रत वाली औरत बिठा कोठी ना बना, कोई औरत अच्छी ले ले। ये माली इम्तियाज। फकीर के पास चला गया,
ओ फकीर मुझे बता आज तक फिरासत उल्मोमिनीन या नजर बेनु, यार गैरतमंद क्या कोलखानी है ऐसी किससे तो मुझे भी आते हैं लेकिन मैं किस का कायल नहीं है। वो तकरीर है वो सारा दिन यार झूठे फसाने भी लोग सुन लेते हैं। असलाफ के किस्से बयान करो, तारीफा करो, किसी को कोई दुख होगा हाँ तबलीग करोगे तो पता लगेगा। इतना कोई फिरासत उल मोमिनीन या नजर बेनूर लाश का माना बता फकीर। आपने फरमाया ओए चादर उतार दे, तीन कमीज उतार दे, तूने नीचे कुफर की निशानी पहनी हुई है, ये उतार दे, इसका माना ये है कलमा पढ़ गया। लाखों उलमा ने काफिर का मसला हल नहीं किया, चटाई पर बैठने वाले फकीर ने हल कर दिया। बहरहाल जब तक फुकरा के हाथ थे शऊर था, जब उलमा के हाथ आए मारे गए। अब मैं तुम्हें कुफ्र सुनाता हूं स्कूल वालों का। कुफ्र गौर से सुनो, कितने बड़े यहूदी हैं ये, कितने बड़े काफिर हैं, तुम्हें मुल्ला नहीं सुनाएगा ये बात, और है इंतहाई आखिरी बात, गौर से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। फज़क्किर इन ज़िक्र तन्फ़ाउल मोमिनीन, महबूब नसीहत फरमा फायदा तो उसे देगी जिसके अंदर ईमान है। मेरी तकरीर ईमान और गैरत वाले वास्ते है, बेईमान वास्ते है नहीं, वो समझ ही नहीं सकता ना वो सुनता है, क्योंकि हसर बसनी ने मोमिन की तीन निशानियां बताई हैं कि दीन की बात गौर से सुनेगा, बेईमान नहीं सुनेगा, नसीहत कबूल करेगा, फिर अपनी गलती तस्लीम करेगा। ये तीन निशान, ये आम बंदे का काम नहीं है, मोमिन का काम है। हाँ तकरीर भी ईमान वाले के लिए है भाई, गैरत वाले के लिए। रसूल और नबी में क्या फर्क है? मैंने यार 3 लाख बंदा था गुजरात कोटद्दू करमपुर, 3000 बंदा, मैंने सवाल किया वे अच्छे बुरे सरबराह की निशानी बताओ, खामोश। बड़े बड़े फन्ने का वकील, वो नामुराद जब तुम्हें अच्छे बुरे सरबराह की पता ही नहीं है क्या निशानी है।